हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं बात करती हूँ गुड़ैल के पेड़ की। ये देखिए, ये गुड़ैल के जो हमारी पत्तियाँ हैं, ये इस प्रकार मुड़ी हुई हैं। तो मैंने जब देखा कि इसकी पत्तियाँ मुड़ी हैं, तो मैंने बहुत सर्च किया ये इसकी पत्तियाँ ऐसे मुड़ क्यों रही हैं। तो मालूम चला कि जब गर्मियों में बहुत ज़्यादा पानी की कमी थी और हम इस पेड़ को पानी नहीं दे पाए, तो इस पेड़ ने अपना पानी इन पत्तियों से लिया है, तो इसलिए इस पेड़ की पत्तियाँ मुड़ी हुई हैं। और अब जो नई पत्तियाँ आ रही हैं, आप देखें कि वो बिल्कुल सीधी आ रही हैं। तो इस प्रकार गर्मियों में जब पेड़ पौधों को पानी नहीं मिलता, तो वो पानी अपनी पत्तियों से ले लेते हैं और उसकी पत्तियों की शेप इस प्रकार मुड़ सी जाती है। तो अब धीरे धीरे जो पुराने पत्तियाँ थी, उनकी हमने कटाई छटाई भी कर दी है और नई पत्तियाँ आनी शुरू हो गई है। और अब देखिए, थोड़े से बर्ड्स भी बने हुए हैं और थोड़े दिनों में इस पर फूल भी आने शुरू हो जाएंगे। और ये देखिए, मेरा गार्डन का एलोवेरा कितना हरा भरा है, और इसका यूज़ करती रहती हूँ मैं। ये हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा है और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। जब मुझे फेशियल करना होता है या हेयर स्पा करना होता है, तो मैं यहीं से एलोवेरा तोड़ के ले जाती हूँ, और बाज़ार का केमिकल वाला मैं यूज़ नहीं करती, फ्रेश एलोवेरा ही लेती हूँ। इसको लगाना बहुत आसान है। अगर आपके आस पड़ोस में ये कहीं लगा हुआ है, तो ये नीचे इसके पप्स बनते रहते हैं। आप कोई एक पप्स लेके उसको मिट्टी में लगा दीजिए, और इस मौसम में तो आप किसी भी प्लांट की कटिंग लगाएं, इजीली ग्रो हो जाएगी। तो यही टाइम हमारे गार्डनिंग करने वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम हम बहुत सारी कटिंग लगा सकते हैं। मैंने खुद अपने गार्डन में 7 से 8 कटिंग लगा ली है। ऐसे ही मदर प्लांट से मैं लेकर कटिंग दूसरे गमले में लगा देती हूँ, और 2-4 मैंने अपनी किटी पार्टी की फ्रेंड्स को भी दी है। और ये देखिए, आज 9 o'clock वाला फ्लावर भी खिला हुआ है, और ये अभी और भी इसकी कलियाँ बनी पड़ी हैं। तो मिलती हूँ आपसे कल की वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स शेयर कीजिए।